Hey guys, what's up? Welcome back to the channel and in a new episode. So guys, आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं कई सारे बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग, जो कि प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए थे और उसका व्लॉग मैंने डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से, जो कि सबसे छोटा है। लेट्स अनरैप दिस एंड चेक दिस आउट, सबसे पहले क्या निकला है। OTG, और ये लगा के मैं ना माइक लगा सकता हूँ, सो दैट आपको बेटर एक्सपीरियंस दे सकूँ वॉइस में भी। तो ना इसको कनेक्ट करके माइक लगाते हैं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट 1 2 3। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे अब आते हैं हम। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बेकार है वियरिंग करना। ये क्या है बे? ये बवाल चीज है। ओ, इसके अंदर काफी कुछ है। सबसे पहली चीज ब्राउन राइस केक, जो कि पिंटोला का है। खाएंगे तो रिव्यू करेंगे अभी। नेक्स्ट चीज है तो ये एयर केस है, जो कि लैपटॉप के लिए है। 14 इंच, जो कि मैंने लैपटॉप मंगाया था Asus VivoBook S14 OLED, उसके लिए ये कवर है। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट इज दिस केबल, टाइप सी केबल है यार, तो ऐसा नॉर्मल। नेक्स्ट थिंग ये है जो कि टेबल मैट। वेरी नाइस कलर एंड वेरी नाइस मटेरियल, वेरी ब्यूटीफुल। और मैं सबसे ज्यादा खुश अपनी टेबल को डेकोरेट करने या टेबल को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हूँ, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा दिन का मेरा यहीं पे जाता है। लिंक लगा दूंगा ताकि आपको अगर खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। एक और छोटी सी नोटिफिकेशन है जो कि आपको मुझे बताना है। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है मेरे चैनल के लिए, तो प्लीज जाके अभी तुरंत दबाओ। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उस पे जाके क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस। क्या गंदे से दिया भाई, यूज लेके माउंट, जो कि मैं कार में यूज करने वाला हूँ, तो फाइनली ये कुछ ऐसा आएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस, जिसमें है सबसे पहले बोट का ईयरफोन, जो कि मैंने बताया था काफी लंबा चलता है। हियर इट इज, काफी प्यारा सा एक पाउच मिलता है। बर्ड्स हैज अ ईयरफोन, वेरी नाइस वेरी लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट थिंग इज, आपको कैमरा साफ कर सकते हो, अपना मोबाइल साफ कर सकते हो, लैपटॉप साफ कर सकते हो। ये पंप है जिससे डस्टिंग काफी अंदर अंदर की साफ हो जाती है, जैसे की कीपैड साफ हो जाएगा, मोबाइल के माइक साफ हो जाएंगे, लैपटॉप के एक्सटर्नल पार्ट जो की साइड होते हैं USB पोर्ट्स, वो सब साफ हो जाएंगे। देन देयर इज अ ब्रश, देयर इज अ लिक्विड, आप भी ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेज़न में आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज दिस। सो गाइज, दिस इज द सेकंड माउंट, जो कि आगे डैशबोर्ड के लिए, मैंने कार की डैशबोर्ड के लिए लिया है। फिलहाल मैं नेक्स्ट व्लॉग में ये वाले माउंट और वो वाले माउंट का कंपैरिजन करके जरूर दिखाऊंगा, कार में अच्छे से लगा के कि कौन सा बेटर है। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, लास्ट में ये एक फोन है, जो कि मतलब Redmi 12 high variant, 8GB RAM, और बहुत ही कम फोन होते हैं जो कि कम प्राइस में 90Hz का रिफ्रेश रेट दे। Look at the premiumness. Seriously, ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है यार। तो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत सारी वीडियोस होंगी, आप चेक कर लेना। ये वैसे मेरे पापा के लिए है, उनको कुछ काम था, ऑल दो वो चार फोन लेके चलते हैं। अब पता नहीं वो किस काम के लिए है चार फोन, और सब में एक्टिव सिम, मतलब एक्टिव सिम सब में भाई, सब रिचार्ज होते हैं। और हाँ, इसमें हमें मिल रहा है एक चार्जर, एक USB केबल एंड कवर। ऑलराइट गाइस, सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सारे अनबॉक्सिंग मैंने पहली बार इतना कुछ अनबॉक्सिंग एक साथ किया है, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जस्ट बिकॉज मेरे को सारे ब्लॉग्स थोड़े से इंटरेस्टिंग दिखाना है, चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ 75 हार्ड चैलेंज के सेम वही चीजें, रोज वही सेम वर्कआउट कर रहा हूँ, डाइट ले रहा हूँ और सारे टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। बट अभी के लिए थोड़ा सा चेंज करना होगा ये कॉन्सेप्ट। 75 हार्ड चैलेंज में करता रहूंगा 75 डेज के लिए, बट जो ब्लॉग्स के कॉन्सेप्ट है मैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. और हाँ, प्लीज बेल बटन दबा लेना यार।